अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ नेहा। आज मैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब का बहुत दमदार एक वीडियो लेकर आई हूँ और इसका टाइटल है पठान गर्ल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड हर सोसाइटी बाय डॉक्टर जाकिर नायक साहब। बहुत अच्छा ये वीडियो होने वाला है और इस लड़की ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं और उसका रिप्लाई दिया है डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने। शॉकिंग वीडियो होने वाला है ये, इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट इट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लक्की मरवर। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पढ़ मैं उर्दू प्लीज, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं अदा करते। और हर शबे जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं दावत इल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शबे जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे, और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्टम के मद्देनज़र यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्टम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर, और शॉर्ट शॉर्ट तीन सर, तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स को। बहन का सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूं और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। आगे नहीं, आप निकलते जरूरत के बिना बाहर? नहीं निकलते, यहां भी नहीं निकलते माशाल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहां पीडोफाइल अगर मैं सही सुना हूँ बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि सिना भी कॉमन है? सिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है, आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल। सुनिए भाई बहन, आपने सवाल पूछा, अब आप खामोश रहेंगी? अपने सवाल खत्म हो गया ना, मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म? जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए, आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरा रहे। कोई भी इस्लामिक माहौल में नहीं सकता, नहीं सकता। इधर आपका पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है, बहुत इस्लामिक को चोरी करना मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकते। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है, कुरान मजीद में लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा वर्स है पीडोफाइल करना चाहिए, कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है दूसरे बार, दोनों बात तो सही, इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक, खवातीन बाहर निकलते हैं जरूरत के बिना, आदमी लोग निकलते उसके बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है पीडोफिलिया?
इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजन जी आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं सवाल गलत है। आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा गलत रहेगा। दिस इज कॉल्ड ये क्या होता है आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में लिखे ना उस बिल्ला किधर कुरान में लिखे ना बच्चों के साथ जिना करो। तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है इल्जाम लगाओ सवाल पूछो कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजरात में कुरान नंबर 50 49 आयत नंबर 6 जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं हजारों का मजमा है 20,000 25,000 और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा फिर कोई पीडोफिलिया है आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है गलती बोलने के बाद ही माफी मांगने को होता है। कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने उस लड़की का आंसर नहीं दिया गुस्से में आ गए वो और आंसर नहीं दिया उन्होंने। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से भी गलत ही था क्योंकि जो इस्लाम के फॉलोअर हैं दीन को मानने वाले हैं सही तरीके से इस्लाम को समझते हैं वो कैसे गलत काम कर सकते हैं कैसे बच्चियों के साथ जिना कर सकते हैं कैसे वो गलत कामों की तरफ जा सकते हैं क्योंकि जब दीन में ये सब है ही नहीं कुरान में हदीस में कहाँ है ये सब। अगर इस्लाम को मान रहे हैं अच्छे से फॉलो करते हुए चल रहे हैं दीन हदीस कुरान नमाजों की पाबंदी सब कुछ करे ये सब तो होगा ही नहीं। जब वो उस लड़की ने स्टार्टिंग में बोला हमारा माशरा इस्लामिक है इस्लाम को फॉलो करते हैं तो कैसे ये सब कर सकते हैं तो वो गलत क्वेश्चन उसका था वहां पर और इसलिए डॉक्टर जाकिर नायक गुस्सा हो गए और आंसर नहीं दिया उन्होंने कि मैम मेरे हिसाब से अगर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते तो अच्छा रहता। कैसा लगा आप लोग को कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।